नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट निकले थे 749वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा कि आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना सीखना है, वो भी साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स। जैसे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिसको लेकर मिथ है और आप समझ नहीं पाते हैं कि आपने क्या उच्चारण किया। जैसे हमारा डे का उच्चारण है संडे, मंडे, ट्यूजडे, और इसके बाद वेडनेसडे लोग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वेडनेसडे जो बोला जाता है क्या उच्चारण वो सही आप कर रहे हैं? हम आप जो उच्चारण करते हैं सही करते हैं? दोस्तों, अगर शुद्ध उच्चारण, करेक्ट उच्चारण की बात की जाए तो वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, जबकि उनको उसको करेक्ट बोलना है इंग्लिश जो पढ़ा जाता है तो वेंसडे बोलेंगे। जी हाँ, तो वेंसडे बोलेंगे। और वेंसडे क्यों बोलेंगे इस बात पर मैं चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। लेकिन उसके पहले देखिए, साइलेंट लेटर वाले वर्ड जो कि बी सी डी ई जी के एल एम एन पी टी डब्ल्यू का जो है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा एग्जांपल मिलने वाला है। हाँ जी, तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। आप देखिए, बेसिक बात तो होगी ही, अगर बेसिक बात नहीं होगी दोस्तों तो वीडियो पूरा कम्प्लीट नहीं बनेगा। तो देखिए, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो ये तो आप जानते ही होंगे, हालांकि नहीं जानते तो फिर भी जान लीजिए दोस्तों कि 26 लेटर वाले ए बी सी डी, इसे आज ये लोग ए बी सी डी कहते हैं, अल्फ़ाबेट तो कहते भी नहीं, इसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया, जिसमें जो ए ई आई ओ और यू, ये पांच जो है, तो पांच हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे भॉवेल कहते हैं। और ये भॉवेल दोस्तों कहीं ना कहीं आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, या टकते हैं, या फिर डर लगता है, घबराहट होती है, या समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ना है, तो इनको जो है नहीं, यही नहीं आ रहा आपको, इसका उच्चारण नहीं आ रहा। आप कहेंगे कि कौन सा बड़ी बात है, ए आई यू तो बोल ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों डबल ओ के साथ इसका टोटल यानी कुल उच्चारण जो है सो 22 तरह से, जी हाँ, तो 22 तरह से बोलते हैं। है तो 6, लेकिन उच्चारण कितने तरह से हो गया, 22 तरह से, जबकि 5 ही ना होता ना, मान लीजिए 5 नहीं 10, चलिए 15, 20, 22, 22 तरह से उसका उच्चारण हो रहा है सभी का। जैसे ए को 4, ई आई को 5, ओ यू को जो है 4 तरह से, और डबल ओ को 5 तरह से उच्चारण करते हैं। जो बचता है 21 लेटर, वो है हमारा कॉन्सोनेंट का। इसके अंदर दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लेटर्स जो है 2-3 बार जो है इसका तरह तरह से उच्चारण, तो कई जगह तो है एक्सेप्शन के रूप में टी के, खास कर देखिए इसका उच्चारण 4 तरह से होता है। अब मैं बोलूँगा कि टी को च भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग को अजीब नहीं पता है कि टी वाले जो किसी वर्ड में जब टी रहता है तो टता जब नहीं उच्चारण हो तो समझिए कि च हो रहा है या स हो रहा है, उसी तरह डी को ज बोलते हैं, सी, अब बाकी सब चर्चा होगा कि भाई किसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये सब आपको पता है तो बताइए कि हाँ। अब देखिए, वर्णमाला जो है ये संख्या में दोनों को मिलाकर 50 है, कौन सा दोनों, तो स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36, दोनों को मिला दीजिए तो हो जाएगा 50। दोनों का अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, दोनों का यूज़ करना सीखना होगा, नहीं तो दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति का नाम इंग्लिश में अगर लिखा रहे, कोई पता लिखा रहा है, तो आप न पढ़ पाएंगे, साथ ही न लिख पाएंगे। बहुत सारे लोग के मोबाइल में आप जो भी उठा के मोबाइल देखिए, नाम बिल्कुल ही गलत लिख दिया जाता है। उसके बाद इंग्लिश दवा, अगर आप आपके लाइफ में जो है मेडिसिन से पाला तो पड़ता ही है, तो जब मेडिसिन भी रहता है उसमें कॉम्बिनेशन लिखे रहते हैं, तो ये सब नहीं जानने की वजह से बहुत सारे दिक्कतें आपके व्यवहारिक जीवन में भी होती है। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। हालांकि दोस्तों, हिंदी का अपना ही मज़ा है, और अब जाहिर सी बात, हमारी मातृभाषा जो हो, लेकिन जो हिंदी है पूरे इंडिया को एक साथ बांध के रखी हुई है, इंग्लिश तो पूरा दुनिया को बांध के रखी हुई है ना, तो इंग्लिश क्या ग्लोबल लैंग्वेज है, इंडिया का भाषा जो अपनी हिंदी भाषा है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी सभी लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है, सरकार भी इस पर विशेष ध्यान देती है। तो चलिए, सबसे पहले वर्णमाला को जानते हैं। वर्णमाला का पहला पार्ट है तो स्वर, जी हाँ, सो इसमें 14 होता है इसका स्वर, यहाँ पर उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और जो है अंग्रेजी की बात करेंगे। देखिए, अ आ ह्रस्व दीर्घी ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व रे दीर्घ रि, है ना, ई ई तो आप बोलते ही हैं, ऊ ई री तो बोलते ही हैं। मात्रा चिन्ह, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं था, आकार का ये वगैरह घंटा, ई छोटी ह्रस्व का छोटी से ई, ई का ये बड़ी का ये, ह्रस्व का ये हो गया उकार, ये बड़ी उकार, री का ये है, बड़ी री का ये है। उसके अंग्रेजी क्या है, तो आ का ए, आ का डबल ए आता है, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, छोटी का ए, बड़ी का डबल ई, यू का यू, डबल ओ का ऊ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद तो देखिए, ए है ए ओ अन अ,
ए का मात्रा चीनी एक ऊपर हुआ, आय का दो ऊपर हुआ, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, और अह का है दोस्तों यहाँ पर। अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए इसका, क्योंकि जब मात्रा चिन्ह आपको मिल जाएगा हिंदी से अंग्रेजी पढ़ना हो, या अंग्रेजी ही हो हिंदी का किया हुआ अगर पढ़ना हो या लिखना हो, तो मात्रा चिन्ह को ध्यान में रखते ही तो पढ़ना होगा ना, क्योंकि व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट तो सभी को पता है। तो देखिए ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। मान लीजिए लिखा हुआ है क्री, ठीक है, कृतिका, एक ही वर्ड मैं लेता हूँ बार बार। और देखिए यहाँ पर री, इकार, छोटी कार और ह्रस्व, ये ह्रस्व है या आकार है। यहाँ पर अंग्रेजी देखिए री का आर आई, छोटी का आई, आकार का जो है डबल या सिंगल है। तो दोस्तों पहले यहाँ समझिए कि क्री जो है कैसे लिखें, के आर आई क्री हो गया, टी आई से ती और के ए से का, इस तरह से कृतिका लिखा जाता है। तो स्वर हो गया दोस्तों, मात्रा चिन्ह किसी भी अक्षर में, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं, मान लीजिए कोई भी शब्द लेंगे, जैसे मान लीजिए माँ, ठीक है, माहौल, ठीक है, मैं हिंदी मैंने लिखा माहौल, अगर इसका लिखना हो तो देखिए आकार भी यहाँ पर मिल जाता है, आकार भी मिल जाता है, और आ वाला में भी जिसका मात्रा चिन्ह तो होता नहीं वो भी मिल जाता है। तो लिखेंगे कब, जैसे ऐसे ही ना। तो देखिए टेक्स्ट मैसेज बहुत ज़रूरी है, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, तो हिंदी से अंग्रेजी करके ही लिख लेते थे, मैंने आज ये किया, मैंने वो किया, इस तरह से लिखते हैं ना। इंग्लिश में तो लिखते ही हैं, हिंदी में भी लोग थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, तो गलती क्यों करना, जब थोड़ा सा मेहनत करेंगे दोस्तों सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए अब स्वर के बाद व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन की संख्या कितना है, तो 36 मैंने बताया, 36 में से कोई एक व्यंजन को ले लीजिए, उसमें से स्वर की संख्या 14 होता, कोई एक स्वर जोड़ दीजिए, कोई एक स्वर जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, हमारा अक्षर बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, अक्षर बनेगा। तो अक्षर जो है, मान लीजिए कोई अक्षर में कोई एक स्वर जोड़ कर देखते हैं, मान लीजिए मैंने लिया च, यहाँ से ले लिया च, च ये हमारा व्यंजन है, इसमें मैंने लगा लिया अ, ठीक है, अ ये हमारा स्वर है, ये व्यंजन, ये स्वर, ये व्यंजन, ये स्वर, इन दोनों के मिलकर हमारा बनता है दोस्तों ये च, यानी कहने का मतलब है ये है हमारा अक्षर, ये नहीं। जितने सारे आप यहाँ देख रहे व्यंजन, ये सारे के सारे व्यंजन है, यानी कि आधा अक्षर है। अब जैसे आधा अक्षर क्या मतलब है, ये देखिए आधा क है, आधा ख है, आधा ग है, आधा घ है, तो इस तरह से सभी तो है ना। तो देखिए संस्कृत वाले शब्दों में अंग्रेजी लिखते समय अंगा का एन जी और इया का वाई एन का इस्तेमाल होगा, और संयुक्त अक्षर है के से ज्ञा त्र ज्ञा का अक्षत्र ज्ञा, उसके बाद टठर ण के लिखिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको भी याद रखिए। तो चलिए आप देखिए अक्षर जो है हमारा व्यंजन में स्वर जुड़ता है, कोई एक व्यंजन में स्वर की संख्या कोई एक होगा, अ को छोड़कर अह तक में सभी मात्रा चिन्ह दिख जाते हैं, लेकिन अ में नहीं दिखते हैं। तो ये एक अक्षर बनता है, और अक्षर में अक्षर को जोड़ने से क्या बन जाता है, ये हमारा बनता है तो शब्द बनता है, ठीक है, अक्षर में अक्षर को जोड़ने से शब्द बनता है, और शब्दों के समूह को बोलते हैं तो वाक्य, शब्दों के समूह क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। चलिए और व्यंजन स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, मान लीजिए कि जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी है ये भी बात करते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट जो है किसे कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दीजिए, जितने बचेंगे सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट में उच्चारण जानिए, तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श, डी को ड, डी को ज भी बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग और ज भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स और एस को ज भी बोलते हैं, टी को ट तो बोलते हैं च और श भी बोलते हैं, भी को व भ, डब्लू को व, एक्स को देखिए एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज झ। मान लीजिए जी हाँ, तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे, जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग मिलेंगे जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या पढ़े, साइलेंट लेटर वाले वर्ड, तो उस पर तो चर्चा होगी। अब देखिए क के लिए सी और के दोनों होता है, लेकिन सी क को भी मिलाकर के होता है, क होता है, और क्यू यू ई से भी क होता है, क्यू से भी क होता है। अब जैसे वर्ड लेते हैं ग्रेजुएट का, ठीक है, जी आर ए डी यू ए टी ई, इसमें
डी को पढ़ना है करेक्ट। तो पहले ड पढ़ेंगे तो ग्रेजुएट, दूसरा बार द पढ़ेंगे ग्रेजुएट, हथियार ये भी ज पढ़ेंगे तो ग्रेजुएट। तो जाहिर सी बात है डी को ज भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, नहीं तो आप बहुत सारी गलतियां कर बैठेंगे उच्चारण करते समय। और देखिए टी को ट ता डबल च ऐसा कब बोलते हैं, जैसे देखिए ये सफिक्स वर्ड मैं लिख रहा हूँ, सफिक्स वर्ड जो कि किसी वर्ड के अंत में आता है, तो ये देखिए मैंने चर लिखा टी यू आर चर, और टी यू एल को बोलते हैं चुअल, टी यू एल को बोलते हैं चुअल, तो ये है चर चुअल। उसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, सन तो ये सन हो गया, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल, तो दोस्तों ये सी एल भी हो गया। ये सब किसी वर्ड मीनिंग के अंत में आते हैं, तो जब ये ऐसे ही लिखे आप देखे पाए जाएंगे। मान लीजिए एक वर्ड लिख लेते हैं, देखिए पी ए टी आई ई एन सी ई, इसका उच्चारण क्या होता है पेशेंस, क्या होता है पेशेंस, पेशेंस होता है, तो जिसमें सी को सब बोलते हैं, ई एन को एन ना बोलते हैं, तो पी ए से पे टी आई का उच्चारण जो है श के रूप में आ रहा है, देखिए टी आई से स हो गया और ई कार के लिए ए हो गया, तो पेशेंस हो गया। तो चले अब एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, जैसे ई एक्स भी वर्ड मीनिंग जब स्टार्ट हो तो भी उसे एक्स ही उच्चारण करेंगे, ठीक है, जैसे ई एक्स सी यू एस ई, तो इसको क्या पढ़ते हैं, अब ऐसा तो नहीं करेंगे ई एक्स सी ई एक्सक्यूज, इस तरह नहीं बोलते हैं, एक्सक्यूज बोलते हैं। तो कहीं भी ई एक्स से वर्ड मीनिंग मिल जाए आपको तो एक्स ही पढ़ना है, और एक्स को तो एक्स पढ़ते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स के एक्स ही पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट है तो कि वोवेल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, और ये वोवेल आप यहाँ बहुत फास्ट में आप देख रहे हैं, तो सभी को देखिए ए है ई है आई है ओ है यू है डबल है, टोटल जो है सो 22 तरह से इसका उच्चारण यहाँ पर कर रहे हैं। आप अगर सिर्फ पाँच ही बार बोलेंगे, बस पाँच ही उच्चारण आएगा, तो आप इस तरह से उच्चारण करेंगे, ए को ए बोलेंगे, ई को मान लीजिए यहाँ पर ई बोलेंगे, आई को आई बोलेंगे, है ना, ओ को ओ बोलेंगे, यू को यू बोलेंगे, और ऊ को डबल ओ को ऊ बोलेंगे, तो ये गलती हो जाएगी ना। बाकी जो ये जो हमारा बस्ता है इसका उच्चारण कैसे आप करेंगे, आई इसका उच्चारण नहीं करेंगे तो गलतियाँ तो होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई आखिर सही आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। यही वजह है कि आप सिर्फ यही समझते हैं कि भाई जो उच्चारण है वही हो रहा है। जैसे एक वर्ड मीनिंग ले लीजिए आर ई एम ई एम, और ये हो गया बी ई आर, यहाँ पर तीन ई है, एक दो और तीन ई, तो पहला ई का इस्तेमाल छोटी को, दूसरा ई का ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में, तो इसका उच्चारण क्या होता है, तो देखिए री मैम रीमेम्बर रीमेम्बर, तो रिमेम्बर में तीन ई है, एक दो तीन, तीनों का अलग अलग उच्चारण हो रहा है, छोटी का पहला छोटी के रूप में, दूसरा जो है ए के रूप में, तीसरा जो है आ के रूप में, क्या पढ़ा गया है रिमेम्बर, क्या पढ़ा गया है रीमेम्बर, जो पढ़ा गया है तो ये देखिए रीमेम्बर। अगर एक वर्ड मीनिंग में इस तरह से पढ़ दिया जाता है, और कोई बहुत सारा जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख दिया जाए कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये एक दवा का कॉम्बिनेशन है, सेटजिन मैंने लिखा है, तो यहाँ पर एक तो ई है, यहाँ भी ई है आई है, तीन वोवेल्स है, कैसे पढ़ेंगे, हैं सी को क्या स का पढ़ेंगे स पढ़ेंगे, सब सोचने समझने की बात है, तो सी से ज़्यादा स होता है क भी होता है। तो चलिए और जो समस्या है दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत कुछ बात होने वाली है। अब देखिए दोस्तों कि साइलेंट लेटर वाले वर्ड, साइलेंट लेटर वाले के बारे में थोड़ा सा उपदेश जो है, थोड़ा सा ज्ञान जैसे कि मैंने कल दिया था, अगर आपने हमारे वीडियो कल रूल रेगुलेशन कल नहीं देखा है रूल रेगुलेशन वीडियो को, तो आई बटन में जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आई बटन में, या आप हमारे कल वाले वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के लिस्ट में जाइए, ओमनीसेंट इंग्लिश के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए कल वाला वीडियो, बहुत ही काम के है दोस्तों, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वेन अब भाई वेडनेसडे हम लोग सभी पूरा इंडिया के लोग गलत उच्चारण करते हैं, वेडनेसडे बोलते हैं, हो सकता है कहीं वेडनेसडे ही बोला जाता हो, लेकिन शुद्ध उच्चारण वेंसडे होता है। अब भाई बहुत सारे हैंडकरचीप में जो है वहाँ भी गलतियाँ होते हैं, बहुत सारे आप देखेंगे कि तरह तरह के वर्ड मीनिंग में गलतियाँ ही हैं, लोग कर बैठते हैं उच्चारण में, क्या इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एम बी है, इस बी वाले में, बी वाले में देखिए क्या है, यहाँ एम बी है,
इसको ध्यान में रखिए, यहाँ भी देख रहे हैं कि MB है, इसमें भी MB है, एक साथ देख रहे हैं। यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप उसको देखिए, MB यहाँ भी MB है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देख बदल गया, अब देखिए BT आ गया, ठीक है, फिर देखिए BT आ गया, फिर देखिए यहाँ पर MB आ गया, है ना। और इस वाले वाले हम लोग समझ लेते हैं कि B, अब देखिए जब भी कोई वर्ड मीनिंग मिले, ये तो इतना एग्जांपल है, 10 मैंने लिया है, कोई और भी इसके अलावा कुछ वर्ड मीनिंग मिल जाए जिस वर्ड मीनिंग के अंत में M और B आए, तो जो ये है हमारा M जो है M का उच्चारण करेंगे और B जो हमारा हो जाएगा, तो B जो है इसको साइलेंट कर देंगे, यानी कि इसका उच्चारण करेंगे ही नहीं, लिखेंगे जरूर, रिटेन में आएगा जरूर, लेकिन लिखेंगे नहीं। उसी तरह टी जो है बी टी में, तो बी जो है टी का टी तो उच्चारण करेंगे लेकिन बी को जो है साइलेंट कर देंगे, बी को क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, यानी कि लिखेंगे जरूर लेकिन उच्चारण नहीं करेंगे। अब चलिए पढ़ के देखते हैं और आज तक आपने क्या पढ़ा इसको समझने का प्रयास खुद करिए। दोस्तों यहाँ पर जो है अप लॉम्ब, ठीक है, अप लॉम्ब ऐसे पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है, इसको क्या पढ़ना है, अप लॉम्ब, ठीक है, अप लॉम्ब, अप लॉम्ब पढ़ना है, बी को साइलेंट करना है। इसी तरह बॉम्ब, बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, बॉम्ब पढ़ेंगे, बॉम्ब, बी को नहीं पढ़ेंगे, बॉम्ब। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ क्लाइम्ब है, बहुत सारे लोग क्लाइम्ब पढ़ते हैं, जबकि इसको क्लाइम पढ़ेंगे, क्लाइम, बी को नहीं पढ़ना है। इसी तरह कॉम्ब पढ़ेंगे, कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, कॉम्ब, कॉम्ब मैंने कंघी होता है ना, लेकिन लोग क्या करेंगे, कॉम्ब पढ़ेंगे, कॉम्ब पढ़ना, कॉम्ब। अब देखिए ये है कॉलम, कॉलम, कॉलम है ना कि कॉलम्ब। क्रम्ब, क्रम्ब नहीं पढ़ेंगे, क्रम पढ़ेंगे, क्रम लिखेंगे समझेंगे जरूर ही, पढ़ेंगे क्रम, यानी बी जो है सभी जगह बी साइलेंट है। अब यहाँ सभी जगह सारे के सारे वर्ड मीनिंग में साइलेंट है, आपको सिर्फ पकड़ना एम बी है और बी टी है। अब ऐसा नहीं कि कहीं सभी जगह ऐसा ही पढ़ सकते, कभी कभी एक्सेप्शन में आ जाए और उसको भी आप वैसे ही पढ़ेंगे, एम बी, एम का भी उच्चारण करेंगे या बी का भी उच्चारण करना ही पड़ेगा। तो ये साइलेंट वर्ड मीनिंग को लेकर कोई निश्चित नियम नहीं है, एक पैटर्न है अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश ग्रा है ना, अंग्रेजी भाषा में एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो कर कर हम लोग को सीख जाना है। तो ये है, अब यहाँ तो आप समझ गए, आप देखिए यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे, आप इसे मैंने कल ही दिया था, इसको डेट पढ़ेंगे, ठीक है, डेट, इसको क्या पढ़ेंगे, डाउट, डाउट न कि डाउट पढ़ेंगे, इसे डम पढ़ेंगे, डम न कि डम्ब, डम, डम पढ़ेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए, तो इसको जैसे ये सी वाला लेटर, साइलेंट लेटर सी की बात कर रहे हैं, यानी कि वैसे वर्ड मीनिंग जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं और समझने के बाद बात करते हैं। देखिए यहाँ एक सी है, यहाँ एक सी है, यहाँ एक सी है, यहाँ एक सी है, यहाँ भी सी है, हालांकि सी तो पहले भी है यहाँ भी, लेकिन यहाँ वाला सी पे हम विशेष फोकस करेंगे और यहाँ पर मैं बताऊँगा सी का क्या, यहाँ कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो सी है, आप देखिए जब भी कोई सी, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि एम बी को मैंने बताया था और यहाँ पर बी टी को मैंने बताया था, तो आप समझ चुके हैं। अब मान लीजिए एस सी है, तो एस सी में जब एस, देखिए एस ई से भी सा बोलते हैं, एस से भी सा बोलते हैं, लेकिन हम लोग एस का उच्चारण करेंगे, सी का उच्चारण साइलेंट कर देंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ हेडिंग में ही सी का उच्चारण क्या कर देंगे, साइलेंट, जी हाँ सर, साइलेंट, पूर्व तरह साइलेंट कर देंगे। और देखिए ये जो है आप यहाँ पढ़ेंगे एब्सेस, एब्सेस क्या पढ़ेंगे, एब्सेस, उसके बाद देखिए एब्सेंट, एब्सेंट यानी सी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सीधा एस पढ़ रहे हैं, एसेंट, 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 ठीक है, सी नहीं पढ़ रहे यहाँ पर, कंसाइंस, तो साइंस वाले वर्ड मीनिंग में जो एस सी जो होता है वो सी नहीं पढ़ते हैं बल्कि एस का उच्चारण करते हैं, तो ये कंसाइंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं ऐसे, तो कंसाइंस, एस, एस आई हो गया उच्चारण, यहाँ देखिए कंसियस, एस आई का उच्चारण सिर्फ हो रहा, सी, सी जो है साइलेंट कर दिया गया, कंसियस वो यू स्क्वास बोलते हैं, और क्रेसेंड, उसके बाद देखिए डी सेंड, और डी सेंट, डी सीपल, डी
सीपल, SCI का ध्यान में रखते हैं तो डी सीपल हो गया। अब चलिए यहाँ पर डी के बारे में देखते हैं दोस्तों, साइलेंट लेटर वाला डी। तो डी में देखिए, डी में क्या है, तो पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे तभी समझ में आएगा कि डी कहाँ पर खासकर जो है इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बताना है नियम ताकि आप कोई भी वर्ड मीनिंग को आप इजीली पढ़ पाएँ। तो देखिए यहाँ पर जो डी जी है, जो देख रहे हैं वो डी के साथ जी है ना, और डी के साथ जी है तो दोस्तों यहाँ पर डी जी है। इसके बाद यहाँ भी आप देख रहे हैं डी जी। अब देखिए यहाँ पर एन डी है, नहीं सॉरी एन डी नहीं, डी के है। यहाँ पर डी के को याद रखिएगा, डी के याद रखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एन डी याद रखिए, यहाँ एन डी है तो एन डी को याद रखिए, सॉरी डी के नहीं, एन डी को याद रखना है, एन डी को याद रखना है। यहाँ भी एन डी आपको मिल रहा है, देखिए एन डी यहाँ भी मिल रहा है एन डी, उसके बाद देखिए एन डी यहाँ भी मिल रहा है एन डी, फिर देखिए एन डी यहाँ भी मिल रहा है, देखिए देख ही रहे होंगे ना एन डी, फिर देखिए डी जी यहाँ मिल रहा है डी जी, फिर देखिए एन डी यहाँ मिल रहा है। तो समझाने के लिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, यहाँ एन डी नहीं मिल रहा जबकि यहाँ मिल रहा है डी एन, ठीक है डी एन ऐसे भी। तो उच्चारण क्या होगा ये देखिए, जब भी डी यहाँ तो डी जो है डी जी हो या डी एन हो, एन डी हो या डी एन हो, तो डी जो है साइलेंट ही रहेगा। डी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, यानी कि डी का उच्चारण नहीं करना है, डी का उच्चारण नहीं करना है, डी का उच्चारण नहीं करना है, डी का उच्चारण, डी का उच्चारण, डी का उच्चारण जो है नहीं करना है, बचा जो एन और जी का उच्चारण करना। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ब्रिज, ब्रिज ना कि ब्रिज, इसे पढ़ेंगे एज, एज नहीं पढ़ेंगे एज। अभी देखिए इसे हैंड, हैंड हैंड एच एन डी हैंड होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ना है जो है डी को नहीं पढ़ना, और हैंग हैंकर चिप पढ़ेंगे, हैंकर हैंडकर नहीं हैंकर चिप, इसे हैंडसम पढ़ते हैं ना हैंडसम, तो हैंडसम नहीं बोला हैं, हैंडसम हैंडसम, हैंडफुल है तो हैंडफुल, ठीक है डी को साइलेंट कर देना हैंडफुल, हैंडफुल। अब देखिए हालांकि लग रहा होगा कि बहुत अटपटा टाइप का, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है, लेकिन आज तक तो हम लोग इसी तरह से बोलते हैं हैंडफुल, है ना, तो हैंडफुल जो बोलते हैं गलत है ना, हैंडसम हैंडसम बोलते हैं, हैंडसम नहीं बोलते हैं। अब बताइए हैंडफुल जैसे कल मैंने बताया था, रिसिप्ट या रिसीट कौन सही है, कमेंट करिए। जिसने जिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो को देखा है तो आप बताएं कि रिसीट सही होता है या रिसिप्ट सही होता है, कमेंट। रिसिप्ट यानी पावती, जब आप कोई चीज़ देते हैं तो बदला में लिख कर आप वो वापस दे देता है, तो क्या उसी चीज उसी लेटर के बारे में बात हो रहा है कि रिसीट बोले या रिसिप्ट। उसके बाद तो जैसे यहाँ पर देखिए ग्रैंडसन, ठीक है डी को नहीं बोलना है, ग्रैंडसन नहीं ग्रैंडसन, लेकिन हम लोग तो आज तक ग्रैंडसन ही बोलते हैं, लगता है ग्रैंडसन ही सही है। तो होता है ना कि गलतियाँ इतनी बार हो गई है कि अब गलती भी जो है अब सही हो गया है, ठीक है गलती को ही अब सही मान लिया गया है, तो ये है। लेकिन अंग्रेज लोग ऐसा नहीं करते हैं, जाहिर सी बात जिनका उनका लैंग्वेज वो अच्छा ही बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है इस तरह के जब वर्ड मीनिंग का और सही उच्चारण की बात की जाए तो उच्चारण करने में ये सब जो है सुधार आप कर सकते हैं। आपको इच्छा तो ग्रैंडसन भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे हिंदी में दो तरह के शब्द होते हैं तद्भव और तत्सम, तत्सम संस्कृत शब्द होता है और उसी का बिगड़ा हुआ, यानी संस्कृत शब्द शुद्ध है, अशुद्ध रूप का बिगड़ा हुआ जब कोई शब्द बन जाता है तो वो तद्भव कहलाता है ना। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, एक ही शब्द को कई बार बोलते हैं, तो एक जो शब्द है सही शब्द है और जब उसका रूप बिगाड़ दिया जाता है तो उसको तद्भव बोलते हैं, तो वही हाल यहाँ भी है। लेकिन अब भाई सही वाला शब्द को भी तो जानना है जरूरी है ना, तो ग्रैंडसन पढ़े या ग्रैंडसन, सही तो दोनों है लेकिन आपको समझना है ऐसे लेजर, अब लेजर तो पढ़ेंगे नहीं, लेजर ही पढ़ते हैं। अब देखिए सैंडविच बोलना अच्छा लग रहा है, आपको लगता होगा सैंडविच ही खाते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं, सैंडविच क्या उच्चारण करेंगे, सैंडविच उच्चारण क्या करेंगे, सैंडविच। अब वेडनेसडे, इसी के बारे में बात किया था मैंने, वेडनेसडे लोग आज तक ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आप ये जानिए दोस्तों कि वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, वेंसडे। डी जो है साइलेंट है, जहाँ जहाँ आप डी देख रहे हैं, चाहे डी एन के बाद डी हो या डी के बाद एन हो या डी के बाद जी हो, डी तो साइलेंट ही है, तो वेंसडे ठीक है, वेंसडे नहीं वेनेसडे नहीं बोलेंगे, वेंसडे वेंसडे है ना,
तो चलिए नेक्स्ट देखिए। अब जो है दोस्तों अच्छा खासा मतलब लग रहा है कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से। और ये देखिए साइलेंट जी, यानी ऐसा वर्ड मीनिंग जिसमें जी लेटर को साइलेंट किया जाता है। जैसे अभी तक तो यहाँ आपने डी जी में डी को साइलेंट कर दिया था, अब यहाँ देखिए जी एन में। तो पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं ताकि आपको बहुत ही फ़ायदा मिले। और ये देखिए जो है, अब दोस्तों ये जो हमारा है यहाँ पर जी एन देख रहे होंगे, जी के साथ एन है, 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 यानी जी के बाद जैसे ही एन आए तो क्या पढ़ना है, जी को साइलेंट कर देना है। जी क्या हो जाएगा, जी साइलेंट हो जाएगा, यानी जी को आप हटा लीजिए, जी का उच्चारण नहीं करना है पढ़ते समय, करना उच्चारण किसका है, सिर्फ एन का। तो चलिए पढ़ के देखते हैं, अलाइन अलाइन बोलेंगे या लाइन, असाइन असाइन बोलते ही हैं, असाइंग नहीं बोलेंगे, तो असाइन, बी बिनिन बिनिन, कैंपेन कैंपेन, कॉलन कॉल कॉलोन, ठीक है कॉलोन हो गया, और कंसाइन डिजाइन, नाम तो सुना ही होगा, फेन, फिर देखिए फॉरेन, जी को साइलेंट कर दिया गया फॉरेन। तो ये था दोस्तों बी सी डी जी। अब चलिए ई पे बात करेंगे, और भी कुछ है वर्ड मीनिंग बी से रिलेटेड तो देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, देखिए लंबा लिस्ट है तो थोड़ा समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे एम बी का उपयोग पढ़ते समय आप तो समझ में आ गया हो, उसको कैसे पढ़ना है। तो देखिए ये जैम पढ़ेंगे, जैम्ब नहीं लैम्ब पढ़ेंगे, लैम्ब नहीं, बी साइलेंट है, बी साइलेंट है, साइलेंट कर देते हैं। लिम पढ़ेंगे, अब देखिए नम पढ़ेंगे, ठीक है नम, उसके देखिए प्लम पढ़ेंगे, बी यहाँ साइलेंट, बी यहाँ साइलेंट। अब देखिए यहाँ पर सबटल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सटल, ठीक है सटल पढ़ेंगे, सटल। अब देखिए ये शकम पढ़ेंगे, थम पढ़ेंगे ना कि थम्ब, क्या पढ़ेंगे थम, आपका उठा है ना थम, तो ये थम पढ़ना है ना कि थम्ब पढ़ना है। इसके देखिए टॉम पढ़ना है ना कि टॉम पढ़ना है, टॉम। अब चलिए दोस्तों एक और देखिए, बॉम्ब पढ़ना है ना कि बॉम्ब पढ़ना है। अब देखिए सी पे आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर सी पे देख लेते हैं, सी के साथ क्या क्या मैंने बताया था, तो ये एस, जब एस सी एस सी एस सी एस सी एस सी, यानी कि सी जो है हमारा है, सी लेटर जो है साइलेंट हो जाएगा, और जो है उसको एस का उच्चारण सिर्फ करेंगे, ठीक है जो है आपको इस ये पकड़ना होगा आपको, एस सी जब भी एस सी कहीं किसी वर्ड मीनिंग मिल जाए साथ में तो सी को साइलेंट कर देंगे, एस का उच्चारण करेंगे। तो देखिए ईवेनेस ईवेनेस, फैसिनेट फैसिनेट, एक बात ये है, फ्लोरेसेंट फ्लोरेसेंट, सी साइलेंट है, मसल सी साइलेंट मसल, ऑफ सीन हो गया। अब देखिए सी सर्स, उसके बाद देखिए सीन सी साइलेंट हो गया, सीन, साइंस एस सी आई एन सी को साइंस बोलते हैं, एक्चुअली ई एन सी को एन से बोलते हैं, तो एस सी जो एस सी में सी को साइलेंट करते हैं साइंस, सी सिनेरियो एस सी ई को एस ई को से बोलते हैं, सी साइलेंट है तो सिनेरियो। देखिए रिसिस्टेट, उसके देखिए अब ई वाला, देखिए ई वाला में क्या खास है, तो जब भी देखिए ई जो है, कभी कभी क्या होता है लास्ट में कोई वर्ड मीनिंग के लास्ट में ई आ जाए तो आप इसी पढ़ देंगे, या ई आर रहे ई के बाद, जब ए आर रहे ई के बाद जब ए आर रहे तब जो है ई साइलेंट रहता है ना, ई के देखिए यहाँ पर कभी कभी दो बात है, ई के बाद ए आर रहे तब जो है ई साइलेंट हो जाता है, ई के बाद ई आर है ना, देखिए साइलेंट है, और लास्ट में कभी कभी ई भी रहता है उसको भी साइलेंट ही मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ई है, इसको साइलेंट मान के चलेंगे, यहाँ भी है तो आप यहाँ पकड़िए, एक ई वाले में लास्ट में ई है, इसको साइलेंट मान के चलना है।
इसके देखिए यहाँ पर तो लास्ट में ई ए है, उसे हेट पढ़ते हैं, हेट ए के बाद ई आता है। हालांकि हमारा वैसे ही है जैसा कि उच्चारण मैंने बताया है तरीका, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर, लेकिन वो खास अंतर नहीं। इसे नेम ए के बाद ई आता है, तो मैं बताता हूँ कि ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण फिक्स हो जाता है एक रूप में। वृद्ध है ना, ई को गैप कर दिया गया है। और अर्थली, अर्थली ए से पढ़ते हैं अर्थली, ई अर्थली नहीं पढ़ेंगे अर्थली, हालांकि ई का मतलब ही अ होता है। अर्न है ना, अर्न, अर्नेस्ट ई को साइलेंट कर दिया गया, अर्नेस्ट। अभी कन सीड ई को साइलेंट कर दिया गया, एक्सरसाइज है ना, ई को साइलेंट कर दिया, इन एक्यूरेट ई को साइलेंट कर दिया गया। नेक्स्ट जो है दोस्तों जी, साइलेंट वाले लेटर में जी को आपको देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे साइलेंट लेटर वाले जी, तो ये जो जी है यहाँ पर जी को देखिए किस तरह से जी जो है बार बार रिपीट होते हैं, समझने के लिए यहाँ पर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जी के साथ जो है एन है, मैंने शुरू में बताया था जी के, लेकिन ये जी के साथ एन शुरू में बताया था वो जहाँ जो है डी जी था ना, यहाँ पर जी एन है, तो या जो भी है शुरू में जब जी आया है, देखिए सभी जगह क्या है खास बात कि शुरू में जब जी आया और उसके जस्ट बाद एन आए, ठीक है, शुरू में जी आया उसके जस्ट बाद एन आए, तब कैसे पढ़ेंगे। यहाँ भी है जी लास्ट में है, जी के बाद एन आए, तो इसी तरह से पढ़ेंगे ना, जी के बाद एन आए, जी के बाद एन आए, ये था तरीका। यानी जी के बाद जब शुरू में भी और लास्ट में भी बात देखी है, अब यहाँ पर देखिए जी के बाद एच आ रहा है, ठीक है, जी के बाद एच आ रहा है, यहाँ पर जी है, जी के बाद एच आया, और बाकी यहाँ पर जो है जी के साथ एन आया जो कि लास्ट में है, और यहाँ से यहाँ तक जो है जो जी के साथ एन आ रहा है शुरू में। कैसे पढ़ते हैं इसको, पढ़ेंगे नार्ल, नार्ल, जी को जब साइलेंट जी का उच्चारण नहीं करेंगे, नेस, नेट, नाव है ना, नोम, नोमिक, नोमिक, रेन, जी को साइलेंट कर दिया गया, रिजाइन, इनको जी को साइलेंट हो गया, साइन, और लाइट, लाइट है ना, इसमें जी को साइलेंट कर दिया गया, जी को साइलेंट कर दिया लाइट। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने बी सी डी और जी को यहाँ पर कवर किया, कौन सा, बी को कवर किया, सी को, डी को, ई को और जी को, पांच साइलेंट, एक दो तीन चार पांच, पांच लेटर साइलेंट वाले को मैंने कवर किया है। अब जो शेष बचते हैं जैसा कि मैंने शुरू बताया था कौन कौन सा है, डब्ल्यू तक है बहुत सारे, तो अगले क्लास में, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक और ले लेते हैं हाई, देखिए हाई में भी जी एच है, तो जो जी का उच्चारण यहाँ साइलेंट है, एच का हाई, क्या है हाई, चले आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हमारे वीडियो को आप डे वन से देखना चाहते हैं तो उम्मीद से इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पर बोलिए उम्मीद से इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या है 936, अगर ये वीडियो आप लेट से देख रहे हैं तो संख्या बढ़ रही है। अगर आपको पढ़ना सीखना है, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखना है या बोलना सीखना है, तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे बीतीजी स्टेप, ना तो आपको ग्रामर की किताब की जरूरत है, ना ही मोटो डिक्शनरी की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन जो है उसको सेट कर दिया सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। तो बस करना ये कि वीडियो को देखना है और ये फोन सारी कॉपी में क्या करना है, लिखना है, स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा, और उसके बाद लिखते समय जो है बोल कर लिखना है, जी हाँ, तो लिखते समय क्या करना है, बोल कर लिखना है, जिससे कि आपको बोलने का भी हैबिट बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी वर्ड कैसे पढ़ना है ये तो आप देख ही रहे हैं, और चलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है चीज़ की वोवेल आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, तभी आप कुछ पढ़ पाएंगे। इसको कैसे याद करेंगे ये तरीका मैं बताता हूँ, सभी वोवेल को अ और आ तो पढ़ेंगे ही, ई आई वाले में ई को बढ़ा लीजिए और ओ यू वाले में जो है ओ को बढ़ा लीजिए, बाकी जिसको जो इसे यू को यू बोलते हैं यहाँ लिखा हुआ है, ओ को ओ बोलते हैं यहाँ लिखा हुआ है, आई को आई बोलते हैं लिखा हुआ है, ए को ए बोलते हैं लिखा हुआ है। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है, ये तो साइलेंट लेटर वर्ड हो गया, अब कॉमन जो लेटर कॉमन जो वर्ड मीनिंग उसको कैसे पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है कि कहीं से भी वर्ड मीनिंग कलेक्ट कर लीजिए 100 से 150 के आसपास, और उसे सीक्वेंस में यहाँ मैंने लिखा, आप कहीं से भी किसी तरह से लिखिए, 100 से 150 वर्ड मीनिंग कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि रोज़ 10 10 वर्ड मीनिंग
10 से 15 वर्ड मीनिंग लिखना है कॉपी पर और उसको चेक करना है कि वॉवेल्स का उच्चारण इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ यही चेक करना है, बस ऐसे जानने के लिए, कोई याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है। तो यहाँ हमारी कंपनी एक वर्ड मीनिंग, इसमें दो वॉवेल्स है, एक ओ है दूसरा ए है, ओ का उच्चारण अ होता है, यहाँ मैं बताऊँगा कि ओ का उच्चारण अ भी होता है आ भी होता है, तो खैर अ होता है कंपनी में, ओ का उच्चारण अ हुआ, ए का सिर्फ चेक करना है। तो सीक्वेंस है, आप कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। तो कंपनी में ए का उच्चारण दोस्तों अ के रूप में हुआ है, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ सॉल्ट में आ के रूप में हुआ, केयर में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है दोस्तों तो ए के रूप, मैप में ए जो है हमारा मैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ मैप। अब देखिए परफेक्ट में दो ही है, तो पहला ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ परफेक्ट, दूसरा ई का उच्चारण जो है सो ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में दो ई है, पहला ई का उच्चारण ई के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में। टेन में जो ई है उसका ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ, उसके एस आई एस आर में आई का उच्चारण क्या हुआ है तो अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण हुआ है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में। उसके बाद देखिए ओ वाले एसेंशन में ओ का उच्चारण क्या हुआ है अ के रूप में, है ना, ओ का उच्चारण क्या हुआ अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। और लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। देखिए बी यू टी बट में यू का उच्चारण अ के रूप में। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण जो है सो ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। उसके बाद एफ एल लोअर डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, फ्लड बोलते हैं। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ऊ के रूप में। तो दोस्तों इसी तरह से जो है प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस जब 100-150 वर्ड भी निकल लेंगे तो वाकई में आपको कोई भी वर्ड बिनिंग आपके लिए पढ़ना आसान होगा, इसमें स्पेलिंग भी आप इजी वे में कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर वैसे लोग कीजिए जिनको इंग्लिश सीखना है, और नए जब सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। कुछ हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप लगातार हमारे साथ बने रहें, और दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।